नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में स्कूलों व मदरसों में आज चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने का लाइव प्रसारण विद्यार्थियों को दिखाया गया। इसके लिए शाम 5:15 से 6:15 तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतरते हुए देखने का अनुभव बेहद रोमांच भरा रहा। ऐसे में इस ऐतिहासिक क्षण के स्टूडेंट्स भी गवाह बने। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए ADCP पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा ने पश्चिमी जोन के सभी पिंक बूथ पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस चयनित बोर्ड से खिलाड़ी कोटे से 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के 233 कुशल खिलाड़ियों के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों को भी अब यूपी पुलिस बल का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा कर रहा है। बता दें कि इससे पहले भी योगी सरकार ने पिछले महीने 227 पुलिस आरक्षण को नियुक्ति पत्र वितरित किया था। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का विस्तार करते हुए इसमें सभी ग्रेजुएट युवाओं को भी जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसमें मानदेय की राशि बढ़ाकर प्रतिमाह 9,000 रुपए कर दी गई है। इसमें राज्य सरकार की ओर से निजी क्षेत्र को 1,000 रुपए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जबकि शेष राशि केंद्र सरकार एवं निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। धार्मिक नगरी कानपुर जल्द पर्यटन के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। कानपुर को रामायण सर्किट से जोड़ने और काशी के तर्ज पर धार्मिक नगरी के संपूर्ण पर्यटन विकास जल्द धरातल पर देखने को मिलेगा। यहां के लवकुश गंगा बैराज पर गंगा सरोवर और शहर के देवस्थलों का संरक्षण कर उनका संवर्धन किया जाएगा। ये बात पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने हाल ही में एक समारोह के दौरान कही। AI को बढ़ावा देने के लिए रेलवे बोर्ड से निर्देश जारी हुआ है। बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे की गठित कमेटी से AI के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। AI का रेलवे में अधिकतम कैसे इस्तेमाल हो, इसके बारे में विस्तार कार्य योजना बनाई गई है। बता दें कि प्रयागराज जंक्शन समेत 1275 स्टेशनों पर AI का इस्तेमाल होना है। ये वे चुने हुए स्टेशन है जो अमृत भारत स्टेशन के रूप में और पुनर्विकास योजना के तहत आधुनिक स्टेशन बनाए जा रहे हैं। G20 समिट 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित नव निर्मित स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम में होगी। इसमें 29 देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। कई राष्ट्राध्यक्षों के एयरक्राफ्ट दिल्ली से सटे जिला गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर उतरेंगे। फिर वे यहाँ से सड़क मार्ग से दिल्ली बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। जिस प्रगति मैदान में G20 की प्रमुख बैठक होने जा रही है, वहां से हिंडन एयरपोर्ट सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, यानी सड़क मार्ग से अधिकतम 20 से 25 मिनट में ये दूरी तय की जा सकती है। वाराणसी से पहली बार बनारसी क्रैनबेरी और अमरा दुबई भेजा गया। वहीं पहले की तरह ही बोड़ा करौंदा परवल सहित कुल 1800 किलोग्राम सब्जियां दुबई के लिए एयर कार्गो से भेजी गई है। किसानों के समूह FPO नॉर्थ एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने APDA के माध्यम से इन सब्जियों को एक्सपोर्ट किया है। यूपी के सबसे बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU में हड्डी के मरीजों को और बेहतर इलाज मिलने की राह आसान हो गई है। यहाँ सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक्स सुपर स्पेशलिटीज का निर्माण लगभग आखिरी चरण में है। अधिकारियों ने 1 से 2 महीने में सेंटर चालू होने की उम्मीद जाहिर की है। इसके लिए कैबिनेट ने सेंटर के निर्माण में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक खर्च धनराशि के GST मद में 4.28 करोड़ रुपए जारी करने को हरी झंडी दे दी है। वहीं गोरखपुर और बस्ती मेडिकल कॉलेज के लिए भी कई सौगात दी गई है। सावन के आखिरी सोमवार और कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी के मुरादाबाद में जिलाधिकारी ने जिले के सभी स्कूलों को लेकर फरमान सुनाया है। DM शैलेंद्र कुमार सिंह ने 26 से 28 अगस्त तक मुरादाबाद के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सावन के आखिरी सोमवार के चलते यहाँ शहर में भारी संख्या में कांवड़ियों का आना जाना होगा। जाम से परेशान मेरठ की जनता के लिए कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव पारित हुआ है। योगी सरकार ने मेरठ शहर के बीचों बीच से बस अड्डे को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जाम की वजह से भैसाली बस अड्डा और सोहराब गेट बस अड्डे को शहर से बाहर ले जाया जाएगा। इससे मेरठ की जनता को शहर में लग रहे लंबे जाम से निजात मिल जाएगी। लोगों का कहना है कि शहर को जाम से निजात दिलाने का प्रयास अब धरातल पर नजर आ रहा है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।